नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ममाअर्थ के उबटन डे क्रीम एंड नाइट क्रीम के रिव्यूज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, तो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया अरोड़ा व्लॉग्स, तो वहां पर भी फॉलो कीजिए। तो चलिए अभी फटाफट से हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। और डे क्रीम और नाइट क्रीम दोनों के इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है टर्मरिक और सैफरॉन। और ये ममअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री और फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और इसके साथ साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो दोनों ही 599 रुपीज के प्रिंट प्राइस पे आते हैं और इसके साथ साथ इससे आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है। इस तरीके के सिलेंड्रिकल आपको पंप काइंड ऑफ पैकेजिंग में ये मिल जाता है। अब बात की जाए कि ये क्लेम क्या करता है, ये क्लेम करते हैं कि ये आपकी स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप करने में आपकी हेल्प करते हैं और आपकी स्किन को काफी अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डे क्रीम में, डे क्रीम में आपको SPF 30 मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि आजकल जैसे हम सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं तो SPF की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो SPF 30 बहुत ज्यादा जरूरी है और हम ज्यादातर स्किप भी कर देते हैं सनस्क्रीन। तो ये उस चीज का फायदा है कि आपको एक स्टेप कम करना पड़ेगा और सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्किन के लिए। अब बात की जाए उबटन डे क्रीम के बारे में, हम पहले बात करते हैं कि हेल्प क्या करता है। ये स्किन को, दोनों ही आपके स्किन को लाइटन अप करने में मदद करते हैं। स्पेशली विंटर्स में क्या प्रॉब्लम आता है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मेरी स्किन ड्राई और डल होनी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा सर्दियों में मैं धूप पे भी बैठती हूँ तो धूप के कारण भी मेरी स्किन काफी ज्यादा डल हो जाती है। तो मेरी स्किन थोड़ी लाइट हो, मेरी स्किन में थोड़ा ग्लो आए और थोड़ी ब्राइट, और और सर्दियों में नॉन ग्रीसी क्रीम्स होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण ना मुझे इस क्रीम में मिल रहे थे क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है और ये बहुत ही इजिली स्किन में अब्सॉर्ब हो सुबह जाता इतना है। टाइम नहीं होता है कि मैं बहुत ज्यादा स्किन केयर करूँ, और अभी तो मैं वैसे भी अपने होम टाउन जा रही हूँ तो वहां पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है स्किन केयर करने का। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सर्दियों में अपने फेस को जस्ट वॉश करती हूँ, थोड़ा सा जो वेट होता है फेस तो उसके ऊपर मैं जो है टोनर अप्लाई करती हूँ। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं सीरम अप्लाई करती हूँ। सीरम में मैं उबटन सीरम ही इस्तेमाल करती हूँ ममार्थ का। तो उसे यूज करने के बाद मैं जो है अपने स्किन के ऊपर ये डे क्रीम अप्लाई करती हूँ और मैं सॉर्टेड हूँ क्योंकि मुझे एक स्टेप कम करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी SPF है तो मुझे SPF इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं फेस और नेक को कवर करके जस्ट मेरा स्किन केयर, डे टाइम का स्किन केयर जो है वो डन हो जाता है। और उसके बाद मैं रात के टाइम पे फेस को वॉश करके डायरेक्टली या नाइट क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ। एक तो इजिली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है दोनों के दोनों क्रीम्स, और दोनों क्रीम्स जो है वो नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के साथ आती है तो बहुत ज्यादा मुझे ये नहीं लगता कि मैंने अपने स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ है और मैं आराम से बेफिक्र होकर जो है वो रहती हूँ। और मुझे इनकी फ्रेग्रेंस भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है तो अच्छा सा फील होता है पूरा दिन अपने मेरी स्किन के ऊपर। और अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर डेफिनेटली आपको फर्क देखने को मिलता है। आप अभी भी मेरे स्किन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने अपने स्किन के ऊपर कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया हुआ है, स्टिल मेरी स्किन काफी ग्लोई और काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है और कोई रिंग लाइट नहीं है। अगर मैं आपको उस तरफ दिखाऊं, जो कि मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है मेरे रूम में क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी, तो अभी फिलहाल मतलब मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। विंटर्स आ गई हैं, स्टिल मेरी स्किन जो है वो ग्लोई और ब्राइटन अप दिख रही है और इसका असर अभी से मुझे दिखना शुरू हो गया है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे इसे इस्तेमाल करती हूँ तो मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, जो कि 20 दिन में मुझे दिख रहा है तो आगे डेफिनेटली मुझे दिखेगा। तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। बाकी ममअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, कोई हार्मफुल केमिकल इनमें नहीं होता है। जितना प्लास्टिक जो है वो यूज करता है उसे कई ज्यादा रिसाइकिल भी करता है और मेड इन इंडिया ब्रांड है। तो मुझे तो ये पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। आप लोगों को भी पता है मैं काफी टाइम से ममअर्थ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हूँ, आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं यूज करती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए कूपन कोड को अप्लाई करना है अपने ऑर्डर के ऊपर, जैसे कि जो कि है अनुप्रिया 2021। तो ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ये भी ममअर्थ.in पर ही सिर्फ एप्लीकेबल है, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। आप चाहें तो ऐप के थ्रू भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वहां पे भी काफी अमेजिंग ऑफर्स चलते रहते हैं। ममअर्थ की ऐप जो है वो एंड्रॉयड और आपके आईफोन पर दोनों पर मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, purple.com सब पर जो है ममअर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, तो चेकआउट कर लेना, कूपन कोड अप्लाई करना फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कि है एनप्रेड 2021। तो ये था आज का रिव्यू, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने भी इसे यूज किया हुआ है, आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बाकी मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।